और अब खबर है ओनर किलिंग की, जहां पर आपको बता दें कि फतेहाबाद के गांव धांगड़ में ओनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती के पति ने फायर ब्रिगेड की मदद से चिता को बुझा दिया और शव को कब्जे में ले लिया। और आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बताते चले कि पति के परिजनों पर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि प्रेम विवाह से नाराज होकर परिवार ने हत्या की है और अंतिम संस्कार भी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सनसनीखेज मामला ओनर किलिंग का आया है, और इसी को लेकर आपको बता दें कि जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही पति ने फौरन चिता को बुझाकर शव को कब्जे में दिलवाया है। और इसी के साथ ही परिजनों पर आरोप लगाया है पति ने कि परिजनों ने प्रेम विवाह के चलते उसकी पत्नी को हत्या की है और इसी के साथ ही उसकी अंतिम संस्कार भी किया है। प्रेम विवाह से नाराज थे उसके परिजन, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई और न सिर्फ हत्या की, अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहां चिता पर जल रही थी, तो वहां पे मामला संदेहजनक लगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको अतिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है, तो मोर्चरी में फतेहाबाद में रखवाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, शमशान घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर परिजनों द्वारा अपनी ही बेटी को आपको बता दें ओनर किलिंग का मामला है, सनसनीखेज मामला है, हत्या कर दी गई है, प्रेम विवाह से नाराज होकर उसकी हत्या की गई और इसी के साथ ही अंतिम संस्कार भी किया। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पुलिस को देखते ही पति ने चिता पर फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाने की कोशिश की और उसी के बाद फिर पुलिस को उसकी आपको बता दें कि कब्जे में शव को दे दिया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और इसी के साथ ही परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस द्वारा दर्ज कर दिया गया है। तो फतेहाबाद से ओनर किलिंग का मामला सामने आया है, सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर प्रेम विवाह से नाराज होकर पत्नी को जलाकर आपको बता दें कि पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को जब जानकारी लग गई थी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही पति ने कदम उठाया और फायर ब्रिगेड की सहायता से चिता पर जो आग थी उसको काबू में लिया, चिता की आग को बुझाया और शव को पुलिस के कब्जे में सौंप दिया। इसी के साथ ही पति ने परिजनों पर आरोप भी लगाया है और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चंडीगढ़ में नवनियुक्त संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना